नमस्कार। 1 फरवरी 2024, जानेंगे आज का मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी का हाल। आज के इस दिन में किन राशि वालों के लिए क्या उपाय करने चाहिए, कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, आज आपके लिए दिन कैसा होगा। मेष राशि जिसका स्वामी मंगल, जो कि आपके भाग्य स्थान पर स्थित है, आज का दिन आपका भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज आप का लक साथ देगा। कोई भी कार्य अगर करने के लिए जा रहे हैं तो आज आपका भाग्य यानी कि लक साथ देने वाला है। दूसरा, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब आज आप महसूस करेंगे, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन स्थिति हो सकती है, लेकिन यहां पर अगर आप कोई चिड़चिड़ापन या कोई गुस्सा अगर आपको आता तो उस पर आज आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता यहाँ पर करनी चाहिए। परिवर्तन करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं या कोई आज निर्णय विशेष लेना चाहते हैं तो अभी आज के दिन आपको रुकना चाहिए। अभी कोई भी निर्णय परिवर्तन करने का या जॉब छोड़ने के लिए ऐसा कोई भी निर्णय आप बिल्कुल नहीं लेंगे। हो सकता है कि आज आपको किसी भी सरकारी आदमी से या सरकारी अफसर से या सरकारी कोई आपका सीनियर पर्सन है उससे अत्यधिक लाभ हो सकता है। कोर्ट कचहरी का मामला जो है कि आज थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। आज आपको उपाय करना है, गरीब व्यक्ति को या जरूरतमंद व्यक्ति को आपको अन्न दान करना है, या चाहे आप भोजन भी करा दें। कम से कम 5 से 11 लोगों को आज अगर आप भोजन कराते हैं तो आज का दिन जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आज भाग्य आपका साथ देगा, 27% भाग्य साथ देगा और साथ में आज आपका शुभ कलर रहेगा पीला। वृषभ राशि जिसका स्वामी शुक्र और शुक्र की स्थिति मंगल के साथ में, अचानक धन लाभ होता हुआ यहाँ पे आज दिख रहा है और कहीं ना कहीं गाड़ी या प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई योजना बना रहे हैं आप तो आज ना बनाएं, कल पे डालिए इस कार्य को। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन गाड़ी भी प्रॉपर्टी और मकान, ये तीनों को योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं आज निर्णय भी आप ले सकते हैं इस चीज पर। इतना मैं जरूर कहूंगा कि किसी भी सीनियर व्यक्ति के साथ में आज आपका मुलाकात हो सकती है और उससे आगे चल करके बिजनेस व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा हो सकता है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए यहाँ पर स्थित है, लेकिन साथ में यहाँ पे वे भी मैं कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हड्डियों, नस या फिर हम कह सकते हैं यूरिन से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर कोई पुरानी बीमारी होगी तो आपको दिक्कत कर सकता है। संतान की तरफ से आज थोड़ा सा नाराजगी वाली स्थिति रहेगी, बहुत अच्छा नहीं होगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी थोड़ी सी कह सकते हैं कि दिक्कत यहाँ पे दिखाई दे रही है। घर परिवार को भी लेकर के थोड़ा सा समस्याओं से सबसे ज़्यादा आप परेशान आज हो सकते हैं। आज आपका भाग्य साथ देगा 27% और लकी कलर आज आपके लिए रहेगा सफ़ेद। मिथुन राशि डबल माइंडेड वाली स्थिति रहेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ में आज थोड़ा सा तुतुमैमैं हो सकती है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन किसी महिला के द्वारा आज आपके कैरियर में बहुत अच्छा लाभ हो सकता है या किसी महिला के द्वारा आपके काम काज में वृद्धि भी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर कह सकते हैं। लाभ की स्थिति थोड़ी सी कम महसूस जरूर करेंगे, लेकिन परिवर्तन करना अगर चाह रहे हैं तो अभी आपको परिवर्तन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज आपका भाग्य साथ देगा मात्र 23% और लकी कलर आज आपके लिए रहेगा फिरोजी। कर्क राशि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, आज काफ़ी मायूस रहेंगे, आज आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, आज कुछ करने की इच्छा नहीं करेगी, नकारात्मक सोच आज आपकी हो सकती है। कई बार आप ऐसा आज सोच सकते हैं, माइंड में ये चीज़ें आ सकती हैं कि कहीं हमको सफलता नहीं मिल रही है तो हम कुछ अपने लिए करना बैठे, तो बिल्कुल नहीं, इस प्रकार से नकारात्मक सोच बिल्कुल नहीं करना है। आज आपको भगवान शिव को पंचामृत का अभिषेक आपको करना है और साथ में
अगर बेलपात्र अगर मिल जाता है तो अति उत्तम है, और बेलपात्र पर सफ़ेद बिंदी लगा करके जो है आपको चढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, और महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करिएगा, क्योंकि आज आपका चंद्रमा आपके राशि का जो स्वामी है वो पीड़ित है पूर्ण रूप से, और इसलिए जो है अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत परेशानी आज हो सकती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिसके कारण से मान सम्मान में हानि हो। आज आपका भाग्य साथ देगा 27% और लकी कलर आज आपके लिए रहेगा केसरिया। सिंह राशि, स्वामी सूर्य और सूर्य की उपस्थिति मकर राशि में, निश्चित रूप से कि आपके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। ऋण रोग शत्रुओं का नाश होता हुआ दिख रहा है, कुछ कर्ज अगर होगा पहले से तो आपके ऊपर जो है उतरने की के चांसेस पूर्ण रूप से यहाँ पे बन रहे हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है आपका और बाहर सरकार की तरफ से, तो वहाँ पे आपको लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी वाणी पर विशेष संयम रखिए, क्योंकि वाणी के कारण से थोड़ा सा आपको नुकसान भी हो सकता है। अपने पुरानी कोई बीमारी भी आप पर हावी हो सकती है, पेट से संबंधित, आपको नसों से संबंधित या हड्डियों से संबंधित आज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है। आज आपका भाग्य साथ देगा 31% और लकी कलर आज आपके लिए रहेगा नारंगी। कन्या राशि, स्वामी जो है कि बुध है और बुध आपके चतुर्थ भाव में मंगल के साथ में स्थित है, तो बहुत बढ़िया योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ी वाहन और पृथ्वी से संबंधित जो मकान के लिए आप बरसों से तलाश कर रहे थे, तो मकान का योग यहाँ पे बनता दिखाई देगा। आज हो सकता है कि मकान बनाने का या प्रॉपर्टी खरीदने का या आपको मकान लेने का योग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज इस पर डिस्कस भी होगी, और शायद हो सकता है कि ये चीज़ें काफ़ी लंबे समय से जो बातचीत चल रही थी वो फाइनल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बिजनेस के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए, व्यापारियों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया लाभ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आज किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या किसी बूढ़ व्यक्ति को या आचार्य को या पंडित हो उनको जो है आपको दान देने की आवश्यकता है। गरीब ब्राह्मण को आप, जो ज़रूरतमंद ब्राह्मण हैं उनको आज आपको दान करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से कि बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखा। एक छोटा सा उपाय और आज कीजिएगा, स्नान आदि करने के पश्चात में आपको गणपति बप्पा के समक्ष बैठ करके ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जो है कि कम से कम 51 बार आपको जाप करना है। घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, लाल कलर का फूल और मोदक यानी कि लड्डू का भोग लगा करके इस मंत्र का आप उच्चारण कीजिएगा। आज आपका भाग्य साथ देगा 28% और आज का आपके लकी कलर रहेगा हरा। तुला राशि, स्वामी शुक्र आपके पराक्रम भाव में, कॉन्फिडेंस की स्थिति आज आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, आज काफ़ी उत्साहित रहेंगे आप, लेकिन वहीं पे जीवन साथी के साथ में या पार्टनर के साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। विवाह की बात भी आज फाइनल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ नुकसान होता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और नुकसान किसके माध्यम से होगा, संतान के माध्यम से भी होगा। आज आपको विशेष अपने बच्चों के लिए तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तब भी आज आपको पढ़ाई की तरफ पूर्ण रूप से फोकस करें, क्योंकि आज आपका मन पढ़ाई की तरफ नहीं रहेगा, घूमने फिरने की तरफ के लिए सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है। रुकावटें जरूर होंगी कार्यों में, लेकिन अंततः कार्य आज आपका संपन्न अवश्य हो जाएगा। आज आपका भाग्य साथ देगा 36% और लकी कलर आज आपके लिए रहेगा नीला। वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल जो कि आपकी वाणी स्थान पर, अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना पड़ेगा। किसी महिला के द्वारा आज आपको अत्यधिक बेनिफिट हो सकता है, लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाएगा, और निश्चित रूप से कि लाभ होगा, वो माँ के माध्यम से भी हो सकता है, जीवन साथी के माध्यम से हो सकता है, धर्म पत्नी के माध्यम से भी हो सकता है, या अगर आपकी बॉस कोई महिला है तो उससे भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आपके ऊपर आज पड़ सकता है, मन कई बार यही कहेगा कि जॉब को छोड़ करके, अगर आप नौकरी कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं तो आपकी इच्छा आज इस प्रकार से कहेगी कि मैं जो छोड़ दूँ यहाँ पे, या दूसरी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, आज ऐसा आपका मन
स्थिति कहेगा, लेकिन आपको करने की आवश्यकता है, आपको टीके रहना है, क्योंकि प्रेशर, काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत अत्यधिक पड़ने वाला है। आज आपका भाग्य साथ देगा 30% और लकी कलर आज आपके लिए रहेगा हल्का लाल। धनु राशि, स्वामी जिसका गुरु हो तो निश्चित रूप से है कि उस ऐसे व्यक्तियों के लिए और जिसका शुभ दृष्टि खुद उसकी राशि पर पड़ रहा हो, ऐसा व्यक्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा के पात्र होता है और समाज में, घर में या वर्क प्लेस में, व्यापार में उसका कहीं ना कहीं नाम भी होता है। तो आज ऐसी स्थिति मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, सम्मानित आज आप हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो करियर को लेकर के थोड़ा सा चिंता का विषय तो जो है आपके लिए जरूर बना हुआ है। कार्यों में थोड़ा सा रुकावटें होती हुई यहाँ पे दिख रही है, परंतु अंततः जो है कि कार्य आपका सिद्ध होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ऐसा कोई काम आज मत करिएगा जिसके कारण से आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो है कि दिक्कत हो। आज आपके लिए आपको उपाय क्या है, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आज आप भोजन कराएंगे, कम से कम 5 से 11 व्यक्ति को आपको भोजन कराना है, इससे आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। बड़े से बड़ा काम का आज निर्णय भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आज, तब तक आज आपका काम होने वाला नहीं है। आज आपका भाग्य साथ देगा 27% और लकी कलर आज आपके लिए रहेगा पीला। मकर राशि, जिसका स्वामी शनि हो और शनि खुद आपकी राशि के मूल त्रिकोण में होकर के बैठा यानी कि कुंभ राशि में स्थित है, तो आपको अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना चाहिए। कुछ योजना आज बन सकती है, कुछ नए कार्य के सुअवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं, किसी के माध्यम से नए कार्य मिलने का संभावना पूर्ण रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। अचानक धन हानि के भी योग यहाँ पे बनते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन अपनी वाणी पर विशेष संयम रखिएगा। आपको सर में दर्द, आँखों की प्रॉब्लम्स आज आपको हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको यूरिन से भी संबंधित भी प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर आपको बैक पेन वगैरह इत्यादि चीज़ें आज हो सकती हैं। अगर वाहन इत्यादि अगर चला रहे हैं तो थोड़ा सा संभल करके आपको चलाना पड़ेगा। भगवान शिव को जल से अभिषेक आज आपको करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आज आपका भाग्य साथ देगा 26% और आज आपके लिए लकी कलर रहेगा जामुनिया। वहीं पर कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। नए अवसर आपको मिल रहे हैं, व्यापार में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिख रहे हैं, नए काम के अवसर और आपको मिलेंगे, बिजनेस में बढ़ोतरी कर सकते हैं, नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं आज आपके लिए बहुत बढ़िया है। आज निर्णय ले लीजिए कि आपको अपने करियर में कुछ परिवर्तन करना है, कुछ नया करना है, क्योंकि आपके लिए आज का दिन जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि पुरानी बीमारी आप पर हावी हो सकती है और जब पुरानी बीमारी अगर आप पे हावी हो जाएगी तो निश्चित रूप से है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगी आपको। हेल्थ इश्यूज आपको बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, आपको हो जाए या आपके जीवन साथी को भी हो सकता है, आज विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कार्यों में रुकावटें जरूर होंगी, पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक स्थितियां थोड़ी सी अप एंड डाउन जरूर करेगी, परेशान बिल्कुल ना होइए। आज आपको हनुमान चालीसा का 5 बार आपको पाठ करना है। आज आपके लिए घी का दीपक प्रज्वलित करके हनुमान चालीसा का 5 बार जो है कि आप पाठ कीजिए। किसी गरीब व्यक्ति को फल इत्यादि दान करेंगे आप, जैसे केला इत्यादि है, इसको आप दान कर सकते हैं, अन्न या भोजन इत्यादि या वस्त्र कुछ भी जो है कि आज आप दान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्ज भी हो आपके ऊपर जो था वो भी उतरने के संयोग यहाँ पर बनते हुए, यानी कि प्लानिंग आज कर्ज देंगे और आशा आज आपको लग जाएगी कि नहीं कि मैं कर्ज से भी मुक्त हो सकता हूँ। आज आपके लिए भाग्य साथ देगा 30% और लकी कलर आपके लिए रहेगा जामुनिया। मीन राशि, जिसका स्वामी गुरु खुद धन भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को धन की कहाँ कमी हो सकती है, लेकिन रुकावटें सबसे ज़्यादा हो रहे हैं शनि के 7.5 की वजह से, विलंब हो सकता है शनि के 7.5 की वजह से। परिवर्तन ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस जगह पर आप कार्य कररत हैं उस जगह से आपको परिवर्तन करना चाहिए, परिवर्तन करने से आपको लाभ मिलेगा। आज आपके पार्टनर के साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहेंगे, पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स हो सकती, कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान
कर सकते, हो सकता है आज आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। आज आपको उपाय क्या करेंगे, आज भगवान भुवन भास्कर को सूर्य को अर्घ देना है आपको। ओम सूर्य देवताभ्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए लाल कलर का फूल, गुड़ और चावल थोड़ा सा अक्षत डाल करके भुवन भास्कर को जल अर्पित करेंगे। निश्चित है कि आपका पूरा काम आज आपका बनता हुआ दिखाएगा और स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भाग्य साथ एक आपका 25% और आज आपके लिए लकी कलर रहेगा केसरिया। 13 मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आज का हाल। अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।